और मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मेरे लिए बनाया है। मेरे जोड़ों में दर्द है, पाँव में दर्द है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। पहाड़ का ठंडो पानी सुन कैसी मीठी वाणी, पहाड़ का ठंडो पानी सुन कैसी मीठी वाणी, छोड़ने नी लागेनी आए हाय, छोड़ने नी लागेनी। नमस्कार, स्वागत छू हमारे YouTube चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइव में। सो जैस की आज छू 31 दिसंबर और यह साल है लास्ट दिन, तो हम आज हम आप लोगों दगर शेयर करूँ मडुआक लड्डू। हाँ, तो मडुआ लड्डू में क्या क्या चाहिए पे? सो मडुआक लड्डू बनो लीजिए, हम लोगों ली रखा है यहाँ यह छू मडुआक पीसी। क्या छू मडुआक पीसी, जिसे हमने जो है बड़ी कटोरी में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और ये आटा है हमारा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा जिसे छोटी कटोरी में हमने लिया हुआ है। और एक कटोरी हमने मखाने लिए, ड्राई फ्रूट्स आप जो जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। एक कटोरा बादाम है, बादाम है, एक कटोरा किशमिश, किशमिश, और एक कटोरा काजू है, काजू है, ये ऑप्शनल है। और ये सफेद तिल, सफेद तिल से हमारे लड्डू और दिखने में भी अच्छे लगेंगे और स्वादिष्ट भी बनेंगे बनेंगे। और ये साथ ही साथ कुछ और चीजें हमने यहाँ पे ली हुई है, हमारी गोंद, ये है गोंद जो हमारे लड्डुओं को, और जो है जो सर्दियों में खाया जाता है, इसकी तासीर गर्म होती है तो काफी अच्छा रहता है। और ये है, और साथ ही साथ कद्दू के बीज हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। और ये है हमारा इलायची पाउडर, हमने जो है अच्छे से कूट लिया है हरी इलायची को। ये हमने केसर लिया हुआ है ताकि थोड़ी सी अच्छी खुशबू हमारे लड्डुओं में आ जाए। और ये है हमारा मीठा करने के लिए हमने गुड़ लिया, चीनी की जगह गुड़ लिया। हाँ, गुड़ हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब इसमें क्या क्या करना है इसको, तो करते पहले कढ़ाई लगाते हैं इसमें। तो पहले आपने क्या डाला इसमें, घी? तो बर्तन यहाँ हमने, मैं कढ़ाई लिया हुआ है, इसमें हम पहले घी डाल लेते हैं। ठीक है, तो घी जितना भी लो अभी, क्योंकि अभी तो हमें सारी जो ये चीजें हैं ड्राई फ्रूट्स, पहले हम उनको फ्राई करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अभी हमारा घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। तो ये बादाम को हम लोग फ्राई करके निकाल लेते हैं। सो अब देख सकते हैं ये फटने लगे हैं, तो इनको हमें अब निकाल लेना है। अब डाल दिया इसमें काजू। इसका लॉजिक क्या होता है मैम, ये ड्राई फ्रूट को फ्राई करने का? फ्राई करने से क्या है कि ये अच्छे से, मतलब अगर जब हम इनको कूटेंगे मिक्सी में पीसेंगे तो थोड़े से कुरकुरे हो जाते हैं, अगर हम डायरेक्ट इनको ऐसे ही पीसने लगेंगे तो ये क्या है ढंग से, मतलब पीस नहीं पाते हैं। फिर आपकी चॉइस है, इनको आप कुछ मतलब कूट भी सकते हो, काट सकते हो, और मिक्सी में जो हम इसको पीस भी सकते हैं। गोंद कर रही हैं? हाँ, अभी गोंद को हम भून लेते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा फूल जाएगा ना? हाँ, ये फूल जाता है। गोंद तो वैसे भी गर्म होता है, सर्दियों में इसका सेवन करना भी जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माना जाता है कि जाड़ों में हम जो खाते हैं वो हमारे पूरे साल भर जो है हमारी बॉडी को जो है मिलता रहता है। इसलिए पहाड़ों में तो चलन कम है, लेकिन प्लेन्सों में जो है गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं, जो साल भर हमारी बॉडी को जो है एनर्जी देते रहते हैं। तो यहाँ पर गोंद को भी हमने भून लिया है, देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से भून चुका है। हल्का सा जो है किशमिश को भी भून लेते हैं, बस डालना है और निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं। हल्का सोती कर दिया? हाँ, बस हल्का सा। ये मखाने, तो उसको भी भून लेते हैं। अच्छा, मखाने भी हो गए आपके? हाँ जी। तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह तो बहुत कुछ लग रहा है, चॉइस है आपकी, आप जितने भी इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें, और जितने आप ड्राई फ्रूट डालते हैं उतना आपका हेल्दी बनता है और साथ ही साथ स्वाद भी जो है उसका बढ़ जाता है। अगर केवल मुझे लग रहा है ये हम सबको बनाना चाहिए सर्दियों में। बिल्कुल, अगर केवल मडवे के आटे के बनाएंगे तो उसमें क्या है, तो मडवे का आटा थोड़ा सा मुँह में खाने में लगता है, और जब हम इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करके उसको बनाते हैं तो अच्छे से हम उसका इनटेक कर सकते हैं। बच्चे भी, बूढ़े भी, जैसे बच्चे की बच्चे हैं हर चीज़ खाना एकदम पसंद नहीं करते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों के साथ मिलके बनाते हैं तो अच्छा रहता है। अब मगज़ के बीज हल्का सा, हाँ, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो वैसे भी उछलते हैं, अच्छा।
तो अब यहाँ पे तिल को भी भून लेते हैं। आप चाहे तो तिल को और जो मगज के बीज को जो है बिना घी के भी आप भून सकते हैं। अब हमारा थोड़ा सा यहाँ पे घी बचा हुआ है तो हम इसको घी में ही फ्राई कर ले रहे हैं। बस डालना है और निकालना है। सो गाइस, सारे ड्राई फ्रूट्स भून के हमने निकाल लिए हैं। अब दोबारा से घी डाला है और अब बारी है आटा भूनने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आटा भूनेंगे गेहूं का। कितना भुनेगा ये? तो बस थोड़ा सा इसको और भूनते हैं, इसके बाद हम इसमें मडवे का आटा मिला लेते हैं। अच्छा, इसमें मिल जाएगा मडवे का आटा? हाँ जी, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे घी और, क्योंकि अभी घी पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है इसमें, तो हमें घी इसमें और पड़ेगा अभी 2-3 चम्मच। इतनी इसमें घी भी अच्छा खासा लग जा रहा है। हाँ जी, घी लगता है, इसीलिए पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। ये देखिए मडवा है, तो इसमें मडवे का आटा अब हम ऐड कर रहे हैं। कहीं रागी भी बोलते हैं? हाँ, रागी बोलते हैं, नाचनी बोलते हैं जी सर। और बताइए आप क्या जानते हैं? अब ये दोनों अच्छी तरह मिला लोगे इसको आप? हाँ जी, ठीक। कितना भुनेगा अभी? भुनेंगे इसको हल्की आंच में। आप देख सकते हैं आज हमने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, तो 10-15 मिनट तो हल्की हल्की आंच में हम भुनेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम घी और ऐड कर लेते हैं। और घी आपने दबा के रख दिया? हाँ, घी तो मतलब कि अगर हम 2 लड्डू 1 लड्डू दिन का खा लें तो पूरा दिन जो है हम उड़ते उड़ते काम करेंगे अपना। जी, तो और डाल लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और हल्की हल्की आंच में हमें अपना काम को कंटिन्यू करना है। ये लीजिए मैम, मम्मी जी चाय ले आई हैं। धन्यवाद सर। पहाड़ों में तो चाय चलती रहती है, चाय के बिना पहाड़ी अधूरा है। तो आपका जब तक मडुआ होता है, देखिए मडुआ जो है, मडुए का आटा जो है, इसे सुपर फूड भी कहा गया है। सुपर फूड मतलब इसमें इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, ठीक है, ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है, बीपी मेंटेन करता है, मौसम परिवर्तन जो होता है उससे हमें जो है वायरल इन्फेक्शन होता है उससे भी हमें छुटकारा देता है, ठीक है, हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं, इससे फाइबर इसमें होता है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होता है हमारा पेट के जो है, पेट को जो है मेंटेन रखता है, ठीक है, यानी कब्ज नहीं होगी और गैस वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपने तो बहुत सारे फायदे गिना दिए मडुआ के। जी हाँ, तो इसे गरीबों का खाना कहा जाता पुराने ज़माने में, गेहूँ जो है नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, तो मडुआ मक्का ऐसे मोटे अनाज जो है लोग खाते थे और सोचते थे कि हमने जो है हम क्या ले रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि जो हम ले रहे हैं वो जो है कोई और ले ही नहीं रहा। अभी समय लौट के आया है, तो अब जो है मोदी जी ने भी एक मुहिम चलाई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मुहिम चलाई है, ठीक है, और ये जो ईयर है हमारा 2023, इसे तो वर्ल्ड मिलेट डे ईयर मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल मिलेट ईयर, यानी मोटा अनाज दिवस, यानी मोटा अनाज उगाओ, खाओ और खिलाओ और बीमारियों से दूर भगाओ। तो उत्तराखंड में तो इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी जो है मडुआ, मडुए का आटा जो है इसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि नेट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है ना, तो ये चीजें उनको सब पता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में हुआ करता था पहले, इसको बहुत ज्यादा पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो इसलिए जो है ये कैसी भी जमीन में हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। तो और अगर भारत में जो है माना जाता है कि 4000 वर्ष पहले जो है इसका जो है यहाँ आया, हमें लगाया गया, तो बहुत पुराना है इसका इतिहास। बाकी इसको जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रचार ऐसा कर रखा है कि पहाड़ों में इसके मिठाइयाँ बन रही हैं, बिस्किट बन रहे हैं ना, तो इससे क्या समोसे है, समोसे बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, सेब बना रहे हैं, मोमोज आपका मोमोज बनते हैं, तो सारी रेसिपी हम लोगों के लिए आप लोग। अगर हम ऐसा कहें कि पूरे साल हम इसी की रेसिपी बनाएं, तो मुझे लगता है अगर वीकली बनाएं तो पूरा साल जो है इसके लिए कम हो जाएगा। डोसा बनाया जाता है, मैंने शेयर भी किया हुआ है अपनी रेसिपी में। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उत्तराखंड की रेसिपी, तो उसमें आप देखेंगे तो मडुए की हमने जो रेसिपी बनाई है वो होगी। मडुए का हलवा तो आम है, मडुए की रोटी जो है ये तो हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, बनाता है। अब मडुए के शेक भी होता है ना, मडुए का आपका लड्डू हम बना रहे हैं, मडुए के बिस्किट हैं, मडुए का पिज्जा है ना, और मडुए का आपका डोसा आता है, डोसा भी शेयर किया था, और भी इसकी नई नई रेसिपी है, और धीरे धीरे जो है इडली शेयर करेंगे। तो लेकिन आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और नई नई खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं कि हाँ क्या नया कुछ क्या बनाया जाए, ये होता है बिल्कुल।
मैम खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, किस चीज़ की खुशबू है? हाँ यही है आटा, और अभी मकवे का आटा भुन चुका है तो यही मतलब इसकी पहचान है कि अब जो हमारा आटा है ये लगभग भुन चुका है। अच्छा, अब हम इसको निकाल देंगे। हमारा आटा भुन चुका है और इसको हम अपने बर्तन में खाली कर लेते हैं। यह है हमारा बर्तन जिसमें हम लड्डू बनाएंगे। यह है, ये देखिए जी। अब हम दोबारा से इसको हल्का ब्लैकिश हो गया है। हाँ, कलर वैसे ऑलरेडी ब्राउन होता है, भुनने के बाद थोड़ा सा और ब्राउन लगेगा आपको। इस जैसा कि हमने आटे को भून लिया है, मटवे का आटा, गेहूं का आटा, और साथ ही साथ ये हमने अपने जो है इनको भी हमने घी में जो है रोस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले पाक बनाने से पहले अब हम क्या करेंगे, इनको पहले पीस लेंगे। ग्राइंडर जार में पीसना है पीस लो, आपको दरदरा काटना है काट सकते हैं, जो भी आप चाहें आपका ऑप्शन है। तो पहले हम ये वाला काम करेंगे, उसके बाद हम गुड़ का पाक बनाएंगे। तो गुड़ हमने यहाँ पे लिया हुआ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग लीजिए, कम ज़्यादा जैसा भी आप मीठा पसंद करते हैं। तो ये हमने लिया हुआ ऑप्शन में, आप चीनी भी ले सकते हैं अगर गुड़ आप नहीं लेते हैं, डायरेक्ट पूरा आप मिला के लड्डू जो है बना सकते हैं। तो चलिए इनको ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम गुड़ का पाक बनाएंगे। ये देखिए 6 बजे का टाइम है, हल्का अंधेरा होने लग गया है। ये हमारे बाहर का सीन है, ये देखिए। अब क्या है, कल 31st है, तो मैंने कहा था आपको कि सारे होटल यहाँ के बुक हो चुके हैं ना, तो हमारे भी घर के आसपास दो, देखिए यहाँ ये पैक है पूरा, होटल लाइटें एकदम जली हुई हैं, वहाँ पूरा पार्टी की तैयारी है ना, तो लोग यहाँ आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं 31st। हम भी देखते हैं 31st में कहाँ जाते हैं, कहीं जाएंगे तो ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, जितने भी पीसने वाले आइटम थे हमने पीस लिए हैं, काजू बादाम और गोंद और साथ ही साथ मखाने, ठीक है। और इसको तो हम पीसेंगे नहीं, किशमिश है ऐसे ही डालेंगे। और यह है हमारे सफ़ेद तिल और ये खसखस जिसको हम डायरेक्ट ऐसे ही जो है अपने लड्डू में मिलाएंगे। और यह इलायची पाउडर और यह है केसर, तो इसको हम ऐसे ही ऐड करेंगे। इसको चाहिए तो हम अभी गुड़ में ऐड कर सकते हैं, गुड़ के पाक में ऐड कर लेंगे ताकि हमारे सारे लड्डू में जो है खुशबू आ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं गुड़ का पाक। तो ये इसमें, और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ताकि इतना पानी जिससे हमारा गुड़ का जो है पाक बन सके। ये हमने गुड़ लिया हुआ है, आप चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पानी गर्म हो चुका है, अभी गुड़ के जो हमने पीस किए हुए हैं इनको हम पानी में डाल लेते हैं। तो गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ये है कि अभी, लेकिन ये है कि चीनी से गुड़ जो है ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ फायदेमंद है, जाड़ों के दिन है ठीक है, खाया जाता है। गर्मियों में तो हमारे पास होता है कि अरे गर्म है तो नहीं खा सकते ज़्यादा, तो आजकल जाड़ों के दिन है तो हमारे इससे जो लड्डू हैं और हेल्दी बनेंगे, इसीलिए हमने गुड़ का यूज किया है। इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं तो चल जाएगा, ये हो चुका है ठीक है। इसको हमने नीचे का रख दिया है, इसमें मटुए का आटा और हमारे गेहूँ का आटा मिक्स वाला है, ठीक है, हमने बुना था। और इसमें हम सारी सामग्री मिला देते हैं। तो ये तो सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें खसखस गोंद, ठीक है, ये सब हमने इसमें मिला लेना है। और ये बचा किशमिश, किशमिश भी मिला दिया हमने, जम चुका है क्योंकि ठंड का मौसम है, पहाड़ों का भैया बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। और ये है इसमें तिल और तिल है और खसखस है, खसखस है, ये लगा देते हैं इसमें। और ये है हमारा छोटी इलायची, छोटी इलायची, ये चाहे तो हम उसमें भी डाल सकते हैं गुड़ के पाक में, केसर, केसर। तो अभी चलो, तो हमने सब कुछ सारे आइटम जैसे मिला दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। और अब इसको धीरे धीरे हम मैश करते हैं, इसको तो अब इसमें गुड़ का पाक डाल लीजिए ना। हाँ तो हल्का पहले मिला लेते हैं, फिर डालते हैं गुड़ का पाक, उसको हम छान लेते हैं। इससे क्या है, तो थोड़ी बहुत गंदगी गुड़ में अगर है तो वो निकल जाएगी हमारी, ठीक है। ये छन गया हमारा, गर्म तो नहीं है ज़्यादा, गर्म भी है, गर्म में जो है जल्दी मिल जाएगा, और क्योंकि फिर बाद में लड्डू बन नहीं पाएंगे इसके। सही जा रहा है मैम? बिल्कुल आ रहा है। कलर कैसा लग रहा है आपको? कलर जैसा होना चाहिए, मटवे का कलर जैसा है, और जो सफ़ेद तिल है वो चार तारों की तरह से चमकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो मड़ुआ तो वैसे ही बहुत हेल्दी है, ऊपर से इसमें इतने
सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, तो ये जो है जाड़ों में जो है आप सबको जो है बनाना चाहिए और रोज़ एक लड्डू हर फैमिली मेम्बर को देना चाहिए। इससे क्या है, हमारी पूरे साल की जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो सर्दियों में जो हम खाते हैं वो हमारे साल भर काम आता है। अब क्या है, अभी गर्म है ना, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लड्डू बन जाएंगे हमारे, तो बाद में लड्डू बन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये साइज सही रहेगा मैम? हाँ सर, ये साइज परफेक्ट है। ठीक है जी, ये गर्म गर्म है अभी तो बन जाएंगे, ये छोटा बन गया, ये बच्चे के लिए हो जाएगा। ये देखिए, हेलो जी, अब धीरे धीरे माठू माठू लड्डू बनाते जाते हैं। तो जाड़ों में जो है ये तो गोंद है, जो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनकी कमर दर्द बदन दर्द जो होता है, ठीक है, उसके लिए भी जो है रामबाण है। एक ही हाथ से ऐसे करते रहेंगे आप तो लड्डू बनते जाएंगे। और ये जब गर्म ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद एकदम लड्डू जो है जम जाएंगे अच्छी तरह, मतलब हार्ड हो जाएंगे। तो हमने जो है लड्डू अपने बांध लिए हैं, अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। ठीक है, प्लेटिंग करके इसका टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट हम नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे हमारे कुंवर साहब और हमारी राजमाता। तो ये हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है, क्योंकि खाने की जो है उसके बाद प्लेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, और हमारे पहाड़ी स्टाइल की प्लेटिंग ऐसी होती है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा वेट कीजिए, तो प्रधार रहे हैं हमारे राजकुमार और राजमाता। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अब हम जो है इनको टेस्ट कराएंगे। तो देखिए मम्मी जी, टेस्ट करिए, और प्रांजल आप भी लीजिए एक, और आप भी टेस्ट करके बताइए कैसा है। बहुत बढ़िया हो रहा है, और मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मेरे लिए ये बनाया है। मेरे जोड़ों में दर्द है, पाँव में दर्द है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आपके इससे जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा? अब इसके जोड़ों का दर्द थोड़ा कम होगा, और गर्म है, आपको ठंड भी कम लगेगी, और ठंड कम लगेगी, और अगर अच्छा होगा जोड़ों का दर्द फिर बनाएंगे। अच्छा, और मीठा कैसा हो रहा है? मीठा बहुत अच्छा। अच्छा, और प्रांजल आप बताइए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है, तो आप लोग भी बनाइए जो है विंटर के लिए खास। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय उत्तराखंड, जय बाय बाय गाइस।